जन्म हुआ और मृत्यु कब हो गई? कितना साल जिंदा है सटीक करो? 25 साल। वहाँ पे 25 साल, और 25 साल में वो ऐसा कर गए कि वो आज भगवान के रूप में जाने लगे। समाज के लिए क्या किया उन्होंने? उस समय अंग्रेज का शासन पूरी दुनिया पर था। कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज में सूर्योदय सूर्यास्त नहीं होता था, मतलब उनका पूरी दुनिया पर राज था। आज यहाँ रात है तो वहाँ दिन है, और वैसे शासक के खिलाफ उन्होंने निरंतर खड़ा हुआ। मात्र 25 साल के आयु में अपने समाज को जागरूक किया, न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा, बल्कि जैसा कि बताया जा रहा था नशा के खिलाफ, मांस मदिरा के खिलाफ उन्होंने अपने समाज को जागरूक किया कि हमारे समाज में ठीक नहीं है, इसको हम लोग छोड़ दें। और अभी आप लोगों को क्या हुआ? 14-15 तक पहुंच गए हैं, सोचिए 10 साल बचा है। 10 साल में आप भी आप में से बहुत हो सकते हैं भगवान बन सकते हैं, जी साधु जाने आज वाले बाबा वाला भगवान नहीं, भगवान बन के लुटता कर रहा है दुनिया में, लुटता है वैसा भगवान जिन्होंने अपने जान की बलि चढ़ा दी अपने समाज में उत्थान के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, शुभकामना। आज राज हमारा 19 साल का हो गया, ईसा मुंडा 25 साल तक जीता है, और हमारा झारखंड राज्य के नाम पर हमारा 19 साल हो गया है। शायद 25 साल होते होते झारखंड भी कुछ ऐसा कमाल करे कि देश में सबसे पहला राज्य हो जाए। लेकिन देश में पहला होने के लिए क्या करना होगा? हम जितने बच्चे हैं, शिक्षक हैं, सबको मेहनत लगन से काम करना पड़ेगा, तब ना कुछ कर सकता है हमारा राज्य। राज्य कुछ काम नहीं करता है, झारखंड कुछ काम करेगा, झारखंड में रहने वाले लोग करेंगे ना, ऐसा कुछ करें कि हम देश में सबसे आगे करें। तो आप लोग से आग्रह है कि मन लगा के पढ़िए, रोज आइए, साफ सुथरा रहिए, शिक्षकों के ध्यान बात को ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री कौन मंत्री और लगन उसको अपनाइए जीवन में, और बिरसा मुंडा के सपनों को साकार कीजिए। देश तो आजाद हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजों में अभी तो गुलाम है। सबसे बड़ा गुलामी किसका है? गंदे आदमियों का, खराब आदत का, गंदगी पड़ा हुआ है, देख के चल जा रहे हैं, पैर के नीचे कागज पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है कैंपस इतना साफ, एक जगह वो कागज पड़ा हुआ है उसे खराब लग रहा है, हम लोग बिना देखे उसको क्या लगता है उसको खा करके गंदगी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये छोटा छोटा सा आदत हम लोग विकसित करेंगे ना तो हमारा विकास करेगा, गांव विकास करेगा, राज्य विकास करेगा, बहुत अच्छे विकास करेगा। चलिए एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना। आप सब लोगों को बोलना चाहेंगे तो आइए, चरण चढ़ाइए, आइए आइए आइए। जो आप लोग बिरसा भगवान के बारे में सीखे ये ऊपर से पार हो गया, ऊपर कुछ सीख लिए। अभी जो है ना सरकार जो है हर एक क्षेत्र में जयंतियां ज्यादा मना रहे हैं, खुले में एकदम आगामी वरिष्ठ शिक्षक हमारे मनोज सर, यहाँ किरण दीदी एवं सहयोगी शिक्षक आज मुझे एक मिनट के लिए बोलने का अवसर मिला है बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा ये भगवान माने लगते हैं 25 वर्ष की उम्र में ही वो देश अने ये लड़ाई लड़े और 25 साल होते हुए उनका देहांत हो गया। कहाँ हुआ? तो जेल में ही एक तरफ के कहाँ हुआ? जेल में लड़ाई ऐसा लड़े कि जेल उसको भेज दिया गया और जेल में ही उनका ध्यान हो गया। जहर दे दिए समझ लेने हो गया तभी उसको मृत्यु। बात है
स्थापना दिवस के लिए विषम मुंडा पुलिस सफाई किया गया। क्यों वो भी काम एक दूसरे को देखकर ही उसका लगभग किया जाता है। जब विषम मुंडा अच्छे काम किए, बहुत लोगों को सहयोग किए, उसी को प्रगति को देखकर के अपना राज को नाम इसीलिए जनजीवन पर रखा गया। ये भी कुछ प्रसर काम अच्छे हमारा राज अच्छा चले। बिरसा मुंडा बचपन में थे ही पशुपालक करते हुए, वो उनमें ऐसी शक्ति थी कि वो भी क्या एक बार में कुल्हाड़ी थी बाप से को मार डाले थे अपनी कुल्हाड़ी से। कहने का अर्थ है कि अगर हम लोग जिस काम में लगे हुए हैं, अगर उसी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए हम लोग चिंतन करें कि हम कौन सा काम कर रहे हैं या गलत है या सही है, अपने मन से अगर पूछेंगे, अगर हमारा यह मत कहे कि हम ये सही कर रहे हैं तो सही है। कोई काम करने पहले अपने दिल से संकल्प करो और अपने मन से पूछो कि हमारा काम सही हो रहा है या गलत कर रहा है। अगर हम चोरी करने जा रहे हैं उसी हमारा मन से पूछो कि हम ये क्या करने जा रहे हैं, तो वहाँ तुम्हारा मन गवा देगा कि हम ये सब सही करने जा रहे हैं, उसमें जाओ अन्यथा व्यर्थ हो जाएगा। कोई भी काम करने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती हमें यही सीख दिलाती है कि हम भी समय पर अपना काम को सही तरीके से करें, हमारा भी नाम रोशन हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी नाम को विदा करता हूँ।